पुणे में लगातार बहुत ज़्यादा तेज बारिश जो हुई है उसका ये नतीजा दिखाई दे रहा है कि पुणे के कई इलाके हैं जो निचले इलाके कहलाते हैं वहाँ पर इसी तरह से पानी जम गया है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये पुणे पिंपरी चिंचवड़ के बीच जो सांगवी इलाका है उसके पास नदी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इधर अभी भी पानी है, लेकिन जो अन्य शहर के इलाके हैं चाहे वो जंगली महाराज रोड हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, गुडलॉक चौक हो, करवे रोड हो या फिर कातरज इलाका हो, जहाँ नहीं वहीं इसी तरह का ही पानी और बारिश के पानी से हाल बेहाल हो गए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो कल रात जो बारिश हुई है वो शिवाजीनगर इलाके में 105 mm बारिश रात भर में हुई है, जिसमें तकरीबन 23 mm बारिश रात 11:30 से 1 बजे के बीच में हुई है। बहुत ज़्यादा ये बारिश, और जो कारण बताया गया है कि नमी भरी हवा अरबी समुंदर और वहीं बंगाल के खाड़ी से जो हवा यहाँ देश की ओर आ रही है, पूरे प्रदेश की ओर आ रही है, और दिन भर जो बहुत ज़्यादा धूप होती है उस वजह से ये पूरा प्रक्रिया होती है कि जहाँ पर बड़े बड़े बादल बन जाते हैं और इन्हें क्यूम्युलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है। ऊंचाई तकरीबन 11 किलोमीटर की थी सोमवार को जो क्यूम्युलोनिम्बस बादल बन गए, वो जो बारिश हुई है तकरीबन क्लाउड बस जैसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लाउड बस तो वैसे 1 घंटे में 100 mm बारिश हुई तो कहलाता है, लेकिन यहाँ पर पुणे में ही रात को तकरीबन 2-3 घंटे के समय के बीच में ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और वो बारिश तकरीबन 85 mm बारिश हुई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पानी निचले इलाकों में भर गया है। और यही एक कारण है कि यहाँ पर इस तरह से पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स की बात करें तो रात 1:30 बजे जो दिखाई दे रहा है पुणे जिले के ऊपर बड़े बादल का जमावड़ा है, जिन्हें क्यूम्युलोनिम्बस बादल कहलाते हैं। वहीं अब सुबह 8 बजने को आए हैं और अब जो बादल है वो अहमदनगर जिले के ऊपर चले गए हैं। पुणे के ऊपर भले ही आपको बादल छाए हुए दिखाई दे रहे, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो पुणे शहर में दिन भर कुछ छुटपुट बारिश हो सकती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि स्कूल के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, यानी पुणे में वैसा देखा जाए तो बाकी का जीवन सामान्य है, लेकिन ऐसे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर निचले इलाकों में गाड़ी फंसी हुई दिखाई दे रही है, पॉश बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं वो भी बंद पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये नज़ारा है पुणे का। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण इस तरह से पुणे शहर में पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 सितंबर की भी याद आ गई है, जब पुणे का जो अम्बिल ओढ़ा जो नदी है जो कि कातरज के पहाड़ियों से शुरू होती है, उस पूरे 10 किलोमीटर के नाले में बाढ़ आ गई थी, कई लोग उसमें फंस गए थे, तकरीबन 20 के ऊपर जाने गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वही कुछ इस बार भी होगा क्या, ऐसा डर जो सता रहा था, लेकिन जो बारिश हुई है वो रात भर भले ही शुरू रही लेकिन पहले 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई, उसी का परिणाम यहाँ पर इस तरह से पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है। पुणे पिंपरी चिंचवड़ के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इस तरह का पानी है, लोग परेशान हैं। और इस तरह से दफ्तर या स्कूल जाते वक्त लोगों को क्या परेशानी हो रही है ये यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे